खेत पे आया हूँ, 6 रुपए की एक आंख लाया। देख कितनी तकड़ी हो रही मेरी आंख, बीच में से आंख और निकल लगी इसमें से। देखो जी, इसके देख देख के मैं कर्म रो रहा हूँ यहाँ। नुकसान। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल किसान चौपाल पे। तो आज फिर से हम अपने उस प्लॉट पर पहुंचे हैं जहां पर हमने सारे नए बीज लगाए हुए हैं। तो नए बीजों में स्पेशली 13-235, 14-201, 15-023 ये यहाँ पर लगे हुए हैं। और इस बार जो है काफी डिमांड में आ रहा है वो है हमारा ये बीज 13-235। और इसको जो है काफी किसान ज्यादा ज्यादा बोने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टे सीधे रेटों में 5 रुपये आंख, 6 रुपये आंख तक लेके आ रहे हैं, जो कि आपके लिए नुकसान का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इस गन्ने में काफी सारी कमियां भी हैं। हम आपको वो कमियां दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखे किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं इसके 35 की मोटाई के बारे में। तो ये देखिए पत्ती जो है बिल्कुल ऊपर तक इसकी अच्छी मात्रा में होती है और पूरी मोटी पत्ती होती है, जिसके कारण गन्ना ऐसा लगता है देख कितना मोटा गन्ना है। लेकिन अगर इसकी पत्ती हटा दी जाए तो पत्ती हटाते ही बहुत ही बारीक गन्ना निकलेगा। देखिए यहाँ से पत्ती हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि इसमें फिर ब्लास्टिंग की समस्या हो जाएगी, आंख फूट के आ जाएंगी। एक कमी तो ये रही। दूसरी कमी देखिए बीमारी की बात करें, ये देखिए यहाँ पर इसमें टॉप बोरर और पोगा पोइंग के साथ साथ सारी बीमारी लग चुकी हैं, जबकि इतना महंगा मिल रहा है जिसमें कि बीमारी कोई होनी नहीं चाहिए थी। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए सारी बीमारी इस बीज में आ चुकी हैं, जबकि इसी के बगल में हमने 23 लगा रखा है देखिए यहाँ पर, और सेम डेट का सेम टाइम का लगा हुआ है, लेकिन 23 में कोई भी बीमारी देखने के लिए नहीं मिल रही है। ना तो अभी इसमें टॉप बोरर का असर है, ना पोगा पोइंग का असर है, दोनों में से कोई किसी तरह का असर नहीं है। ये देख लीजिए, तो देखे किसान साथियों ब्लास्टिंग की समस्या भी आ चुकी है। देखिए ये जब अभी यहीं पर फूट चुका है तो खेत में क्या जमा लेगा, और ब्लास्टिंग के साथ देखिए बिल्कुल ऐसे 38 से भी ज्यादा रोग देखने के लिए मिल रहा है इसमें, और किसान भाई औने पौने दामों में इसे खरीद के ला रहे हैं, जो कि नुकसानदेह साबित है। 4,000-5,000 रुपये कुंटल अगर आप इसे लाएंगे और जब आप लगाएंगे और लगाने के बाद आपको ये मिलेगा तो बताइए आपको क्या फायदा होगा। तो देखे किसान साथियों इसकी तुलना में 14-201 को भी देख लीजिए आप, पूरा बिल्कुल हरा भरा है, कोई भी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है, ना कोई ब्लास्टिंग की समस्या है, ना अभी कोई टॉप बोरर पोगा पोइंग का असर है। ये भी उसके सामने बहुत अच्छा खड़ा हुआ है और इसकी आंख भी बहुत कम रेट पर उपलब्ध हो रही है, 1 रुपये से 1.5 रुपये तक आंख मिल रही है बड़े आराम से। तो देखे किसान साथियों 23 का देखे कितनी मोटाई हो चुकी है गन्ने में, देखिए कितना मजबूत गन्ना खड़ा हुआ है हमारे पास, ये देखिए आप मोटाई देख लीजिए, और 35 की तुलना में उससे कई गुना सही खड़ा हुआ है, बिना रोग खड़ा हुआ है। तो किसान साथियों हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि औने पौने रेट में जो है 35 को ना खरीदें, क्योंकि आपको बहुत महंगा पड़ रहा है। अगर आप 5 रुपये 6 रुपये का आंख लेके आते हैं तो उस हिसाब से आपको औसत नहीं आया, क्योंकि वजन नहीं निकलेगा, और अगली बार अगर आप उसे बीज में बेचना चाहेंगे तो बीज में नहीं बिकेगा, क्योंकि जब किसान साथी आएंगे देखेंगे और उसमें ब्लास्टिंग टॉप बोरर सारी चीज़ दिखाई देंगी, स्टेम सेल की भी समस्या है उसमें जो है तना छेदक, और जो लाल पोरी होती है लाल पोरी भी हमारे बीज में थी जो हम लेकर आए थे। तो इतनी सारी बीमारियों के बाद भी इतनी डिमांड बनी हुई है, तो आप सोच समझ गए 35 को खरीदें। हमारा राय तो यह है आप या तो 23 लगाएं, क्योंकि यही फिलहाल पूरी तरह से किसान के मानकों पर खरा उतर रहा है। तो आशा करते हैं दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाएं, साथ ही साथ एक शेयर जरूर करें।